नमस्कार साथियों, हम आज आपको दर्शन कराएंगे कोटद्वार के, जहाँ पुराने टाइम में हनुमान जी आए थे और उनका बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है। तो हम सहारनपुर आए और यहाँ से ट्रेन। आज का हमारा प्रोग्राम बना था घूमने का, एक जगह गए थे हम कोटद्वार के लिए गए थे, पहले बिजनौर। हमारा एक भाई रहता है वहाँ, अर्पित पुलिस में है, तो उसके पास गए थे, कुछ सामान पहुँचाना था उसका। और कोटद्वार में ये पास में है, वहाँ घूम भी आएंगे। बहुत अच्छा मंदिर है कोटद्वार। ये सचिन है, ये भी पुलिस में है, हमारा साथी है। तो ये इनकी फैमिली है सचिन की, ये बच्ची है कितनी प्यारी है। और हम थोड़ा इसके पास रुके, चाय वाय पी, खाना खाया और फिर हम गुरुद्वार के लिए निकले थे। गुरुद्वार बहुत अच्छा मंदिर है, वही बात हो भगवान हनुमान का। तो मौज मस्ती करते हुए कोटद्वार तक चले गए और खाना खाया बीच में। ये यहाँ पुलिस की तस्वीरें हैं, सभी पुलिस के अधिकारियों की तस्वीरें लगा रखी है इस होटल वाले ने। और वहाँ से खाना खाकर हम निकले और हम कोटद्वार लगभग बिजनौर से 60 किलोमीटर के करीब होगा, तो हाँ 50-60 के करीब, और हम कोटद्वार पहुँच गए। कोटद्वार पहुँचने के बाद हम मंदिर में चले गए थे और मंदिर में वहाँ अभी कपाट नहीं खुले थे, तो हमने फ़ोटो खींचे, घूमे फिरे और बहुत सुंदर दृश्य थे नीचे के, हरी भरी वादियाँ, प्राकृतिक छटाई और बहुत सुंदर यहाँ दृश्य बनाए हुए थे। ये देखो कितने सुंदर दृश्य हैं। तो इस प्रकार हम घूमते रहे और फोटो वोटो खींचते रहे, वीडियो बनाते रहे। और उसके बाद हमने दर्शन किए थे, यहाँ शनि मंदिर भी है, शनि भी है और तरह तरह के कई निर्माण कार्य भी यहाँ चल रहे हैं। और भी, और ये देखो कितना सुंदर पार्क है, उसमें फ़ोटो खींचने के लिए ये लड़के फ़ोटो खींचते रहे, कैमरे में माहिर है, 9 महीने फोटो वोटो खींच के बाद इन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद फिर थोड़ी देर बाद विख्यात हो गए। ये बहुत से कपाट खुल गए थे, दूर दूर से इन्होंने, तो हम फिर वहाँ दीवान जी ने और चले गए थे और दर्शन किए हनुमान जी के। ये फोटो वोटो खिंचवा रहे थे लड़के। और ये जो हमारे साथ 3 लड़के थे ये पुलिस में ही थे, बाकी मैं और ये आरव घूमने गए थे और घूम के आए। तो वहाँ बहुत मन लगा, बहुत अच्छे दृश्य थे, बहुत सुंदर था सब कुछ कोटद्वार में। देखो ये है मंदिर, नीचे से अगर देखे तो ये मंदिर था, ये एक बंदर बैठा है अपने बच्चे को लिए। ये नीचे पानी बहता हुआ पहाड़ियों से निकल कर जो पानी नीचे आ रहा था उसका एक दृश्य है। ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं यहाँ, बताते हैं यहाँ हनुमान जी आए थे तो तब से ही कुछ मान्यता है कि यहाँ मंदिर है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये गुरु गोरखनाथ और शिव जी और नंदी जी की फोटो हैं, ये शनिदेव जी हैं। और ऐसे ही हम घूमते रहे फोटो वोटो खिंचवाने के लिए, ये लाइन लग गई थी तब तक कपाट खुले और हम दर्शन करने के लिए हम भी लाइन में लग गए थे और हमने दर्शन किए प्रभु श्री हनुमान जी के। और ये सुंदर तस्वीरें हैं चारों तरफ मंदिर में, ऊपर की तरफ ये देखो, ये सुंदर तस्वीर है हनुमान जी की। और फिर दर्शन करके हमने प्रसाद खाया, भंडारा चलता रहता है तो भंडारे में हमने प्रसाद खाया, कढ़ी चावल और हलवा वगैरह, कचौड़ी वगैरह का प्रसाद होता है यहाँ, बहुत ही अच्छा प्रसाद लगा। और उसके बाद हम यहाँ से जाने के लिए धीरे धीरे निकल लिए, एक गुफा थी इसके दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन इसके कपाट ये जो है किवाड़ बंद थे, आज खुल नहीं रही थी, या तो निर्माण कार्य चल रहा होगा या कुछ और होगा। तो इस प्रकार हमने सभी जगह घूम घाम के हम वहाँ से उधर से निकल पड़े। यहाँ बिजनौर के बैराज पर आ गए हैं, जो गंगा से निकले आए बैराज में, शाम के टाइम आई हम यहाँ आ गए थे बोट से बैराज पे, घूमते हैं बिजनौर बैराज पे, माँ गंगा घाट पर हमने जो है नौका में बैठे। चलो भाई चौधरी साहब, और
हमने कुछ मच्छियों को खिलाने के लिए यहाँ लिया। मच्छियों को डाल देते हैं। तो इस प्रकार हम वहाँ घूमते रहे और प्रकार मजाक मजाक करते रहे और बोट में घूमे। बहुत सुंदर दृश्य थे पानी के। यहाँ घूमने वालों की संख्या शाम के टाइम काफ़ी बढ़ जाती है और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा आते हैं लोग यहाँ। अभी थोड़ी बारिश का माहौल था तो कम थे लोग, लेकिन हम घूमे और मच्छियों को खिलाया। पुण्य का कार्य होता है। प्रकार हम जो है थोड़ी देर बैराज पर घूमे। घूमने के बाद वापिस हम बिजनौर आए कमरे पर। इस प्रकार हम वापिस आए और हम यहाँ फोटो खिंचवाए और फिर जो है घर आ गए थे शाम के टाइम। और फिर अगले दिन हम वहाँ से वापिस आ गए थे अपने घर सहारनपुर आ गए। धन्यवाद।